आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स कमाल के कस्टम स्किन्स लगा के और खेलते हैं, और आप भी चाहते हो कि उसी तरीके का एक कस्टम स्किन्स अपने लिए आप बना सको। भाई मुंह की बात छील ले। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए कस्टम स्किन्स बना सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस, वीडियो में मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एक एक स्टेप अच्छे से देखना, तभी आपका ये वाला कस्टम स्किन्स काम करेगा आपके किसी भी माइनक्राफ्ट सर्वर में, चाहे वो क्रैक्ड हो चाहे कैसा भी सर्वर हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। इस वाले वीडियो का लाइक हम 200 लाइक्स कर रखते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, स्किन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्किन डेक्स। इस तरीके का स्किन डेक्स आ जाएगा, उसका सबसे पहला वाला जो लिंक रहेगा स्किन डेक्स माइनक्राफ्ट स्किन्स का, इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस, स्किन डेक्स का आपको ये वाला वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले से भी बहुत सारे स्किन्स यहाँ पे बने हुए हैं। इन सभी स्किन्स को भी आप यूज कर सकते हो इन पे क्लिक करके। उसके बाद नीचे जाओगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस तरीके से डाउनलोड करके आप भी इन सभी स्किन्स को भी यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना स्किन कैसे बना पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना इस वाले वेबसाइट पे। यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड और IM रोबोट और ये सभी कुछ एग्री करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपके जीमेल पे जाएगा एक ईमेल, वहाँ पे आपको उसको वैलिडेशन कर देना है उस वाले लिंक पे क्लिक करके। यहाँ पे मैंने पहले से अकाउंट बना रखा था, तो यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एडिटर वाला जो ऑप्शन दिखता है ना, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस, आप एडिटर वाले सेक्शन पे आ जाओगे, और जो आपने अभी जो मेरा स्किन देखा था ना, मैंने यहीं पे उसको बनाया है। ये देखो इस तरीके का। इस वाले वीडियो को शूट करने से पहले मैंने यहाँ पे पूरा मेहनत करके, ये थोड़ा सा टाइम देके, ये वाला अपने लिए एक कस्टम स्किन मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैं आपको शुरू से बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं रिसेट कर लेता हूं। यहां पे देखो नीचे में आपको रिसेट स्किन का ऑप्शन दिखता है, ओके कर दूंगा तो ये पूरा रिसेट हो जाएगा मेरा। और आप देखोगे इस तरीके का हमें यहां पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। यहां पे आगे कौन है और पीछे कौन है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना है, इसको ज्यादा मूव मत करना है। यहां से जो आगे वाला है पोर्शन, इसको आगे ही रहने देना। उसके बाद गाइस, ये पहला वाला जो पोर्शन है, ये देखो पेंसिल का है, यहां पे आपको क्लिक करोगे, और उसके बाद इधर से आप अगर कोई भी कलर को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं, तो पेंसिल वाले से आप इसको इस तरीके से कलर कर सकते हो। और साथ ही साथ आप कोई भी कलर करते हो, तो यहाँ से ये रबर वाला ऑप्शन है, इस पे अगर सेलेक्ट करते हो तो उस वाले कलर को आप यहाँ पे मिटा सकते हो। और गाइस, तो जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये वाला, ये काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर कलर को सेलेक्ट करते हो कुछ इस तरीके से, और इसका अगर आप इसको पेंट करने की कोशिश करोगे, तो देखो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शेड इसका भी आता रहता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे को काफी अच्छा लगा है। इसी वाले ऑप्शन को यूज करके मैं बहुत सारे स्किन्स यहाँ पे बनाया भी हूँ। और ये वाला ऑप्शन है ड्रॉपर का, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके किसी भी कलर को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा अभी रेड पे सेलेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मुझे येलो चाहिए अचानक से, तो मैं कलर पे ना जाके सीधा यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, देखो मेरा येलो यहाँ सेलेक्ट हो गया है, और अब मैं यहाँ पे आराम से येलो या फिर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके नीचे आपको ये वाला ऑप्शन दिखता है, ये बकेट वाला, इसमें आप कोई भी कलर को अगर सेलेक्ट करते हो, मान लो इसको सेलेक्ट करते हो, ये पूरे पैर में आप ऐसा डालोगे तो पूरे ही ये पैर में ऐसा आ जाएगा, हाथ में डालोगे तो पूरे ही हाथ में ऐसा आ जाएगा, सर पे डालोगे तो पूरे ही सर पे ऐसा आ जाएगा। तो ये कलर फील करने के लिए बकेट है। साथ साथ गाइस, उसके नीचे आपको अंडू वाला बटन भी दिख जाएगा, ताकि आप यहाँ पे इस तरीके से बैक करोगे तो आपका अंडू होता रहेगा और इसका फॉरवर्ड भी होता रहेगा। और साथ साथ यहाँ पे आपको जूम का भी ऑप्शन दिखता है, और यहाँ पे माइनस का भी ऑप्शन दिखता है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जूम और माइनस कर सकते हो। और उससे भी अच्छा ऑप्शन गाइस आपको नीचे दिखता है, ये वाला जो ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला, इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो गाइस अब आप कोई भी चीज अगर एक तरफ करते हो तो वही सेम चीज आपका दूसरे तरफ भी होता है। जैसे मान लो इस वाले हाथ में पेंट करने की कोशिश करता हूं, तो ये देखो दूसरे वाले हाथ में भी ऑटोमेटिक हो जाता है। इस वाले पैर में मैं पेंट करने की कोशिश करता हूं, तो देखो दूसरे वाले में भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी काफी अच्छा है। तो आप इस वाले को सेलेक्ट करके रखना, आप इस वाले को सेलेक्ट करके रखना, और उसके बाद अपना एक स्किन मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको रिसेट कर देते हैं, रिसेट पे आपको क्लिक करना है। तो एक काम कर दे गाइस, जल्दी से यहां पे इस तरीके से जाते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ मैं यहां पे इसका सर बनाऊं, इस वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पे अब यहां पे मैंने हेयर्स बना लिए हैं कुछ, इसका चारों तरफ मैं इसको लगा देता हूं। और इस तरीके से आप भी अपना कोई भी कस्टम स्किन से बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूं। मान लो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो इस वाले रबर पे क्लिक करके इसको हम कर देंगे, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे इसका फेस बनाना है, तो फेस का कलर कुछ ऐसा सा रहता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इस तरीके से इसको हम फेस भी पेंट कर देते हैं।
1000 years later. तो ये देखते तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना कुछ ऐसा सा स्किन बना लिया है, काफी क्यूट और फनी सा स्किन यहाँ पे मैंने बना लिया है। और स्किन बनाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आओगे तो यहाँ देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो स्किन है थोड़ी देर में ऐसा वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी स्किन को जो आपने यहाँ पे अभी बनाया है इसको अपने गेम में कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टी लॉन्चर वाले वेबसाइट पे आ जाना है, गूगल पे लिख के यहाँ से आप अपना लॉग इन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एच डी स्किन से दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे स्किन आपको यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ से भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपने कस्टम बनाया है तो उसके लिए अपने प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो स्किन है ना वो आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपलोड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो अभी मैंने स्किन बनाया ना उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे गाइस जो टी लॉन्चर के वेबसाइट पे थोड़ा सा ग्लिच होता है, यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है वो नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप गेम में जाओगे तो आपका गेम में आपका स्किन दिखेगा जरूर। और अगर आप ऑफिशियल माइनक्राफ्ट यहाँ पे यूज करते हो तो आपको ये वाला लॉन्चर खोल लेना, माइनक्राफ्ट वाला लॉन्चर। उसके बाद आपको स्किन पे जाना है, तो यहाँ पे देखो जो मेरा पहले वाला स्किन जो मैंने एडिट किया था ना वो यहाँ पे मैंने लगा रखा है। यहाँ पे आपको न्यू स्किन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके आपके स्किन का कोई भी नाम रख देना, यहाँ पे मैं वीएशन 2 रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज वाले फाइल पे आपको आना है और यहाँ से अपना जो स्किन है उस पे यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे तो ये देखो अपलोड हो जाएगा और आपका स्किन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। यहाँ से बस आपको सेव एंड यूज पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपको प्ले पे जाना है और अपना यहाँ पे माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना। और गाइस माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे सर्वर के अंदर और अभी आप देख पा रहे हो कि मेरा पुराना वाला स्किन ही अभी लगा हुआ है, तो चलो इसको हम जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपके सर्वर के अंदर स्किन रिस्टोरर वाला प्लगइन होना चाहिए और इसके लिए पहले ही मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उसके लिए आपको ये वाला जो वीडियो दिख रहा है ये वाले वीडियो को देखना, आपका सभी कुछ स्किन्स कैसे लगाते हैं स्किन रिस्टोरर से आपको पता चल जाएगा एकदम अच्छे से। और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उस वाले वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना। तो स्किन को अपने अपडेट करने के लिए आपको लिखना है /skin और उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट पे क्लिक करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो थोड़ी देर बाद आपका अपडेट हो जाएगा आपका स्किन। और ये देखो मैंने जो अभी स्किन लगाया था ना वो मेरा स्किन यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे देखो पीछे से भी मेरा स्किन कुछ ऐसा सा दिख रहा है और साथ ही साथ आगे से देखोगे तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। और हाँ गाइस अगर आपको भी इस तरीके का हाई पिक्सल वाला सर्वर बनाना है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जैसे TNT टैग, किट, PVP, वन ब्लॉक, सर्वाइवल, बेडरॉक, स्काई ब्लॉक, TNT रन, स्काई वॉर्स, तो उसके लिए गाइस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करोगे तो मेरे हाई पिक्सल वाले प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस वाले प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो को अच्छे से देखना और इस तरीके का आराम से अपना भी एक हाई पिक्सल वाला सर्वर बना लेना। तो गाइस ये तो था तरीका कि आप PC से कैसे अपने स्किन्स को कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो तो कि आप मोबाइल से भी अपने स्किन्स को बना सको, अपने कस्टम स्किन्स को, तो उसके लिए आपको इस वाले वीडियो को 200 लाइक्स करना होगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से अपना इस तरीके का कस्टम स्किन्स बना सकते हो। हाँ गाइस इस वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कस्टम स्किन्स बनाना सिखाया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने एकदम एडवांस 3D कस्टम स्किन्स बना सकते हो, जैसे कि आपने बड़े बड़े यूट्यूबर सेनपाई वगैरह का देखा होगा। अगर वैसा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताओ इस वाले वीडियो से, या फिर किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आज तक आ रहा होगा तो भी आप नीचे कमेंट करके बताओ। और हाँ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरीके के मस्त मस्त वीडियो सबसे पहले मिलते रहे और बेल आइकन दबा के ऑल पे भी सेलेक्ट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो चलो गाइस आज के लिए हम लोग वीडियो में इतने ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपने किसी कमाल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नाइस।